आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद कटान से त्रस्त हैं ग्रामीण। आशियाना उजड़ जाने के बाद भी शरणार्थी की तरह जीने को बेबस हैं। पूर्णिया के अमौर स्थित ज्ञानडो पंचायत से गुजरने वाली कनकई नदी ने आधे से मलबाड़ी गांव को अपने आगोश में ले लिया है। इस गांव के 60 से 70 घर पूरी तरह नदी में समा चुके हैं। लोग गाँव के ही सरकारी स्कूल के बरामदे में शरणार्थी की तरह अपने जीवन को बिताने पर मजबूर है। बीते महीने भर से जल जमाव और अब सप्ताह भर से कटाव में प्रधानमंत्री सड़क सहित करीब 2 किलोमीटर तक नदी की भेंट चढ़ चुका है। इस शुरुआती मानसून में ये हाल है। कहा जा रहा है कि जब बाढ़ अपने शबाब पर होगा तो नजारा बेहद ही डरावना हो सकता है। सड़क उस रोज आया था तो आधा ठो था, आज वो भी कट कर के खत्म हो गया। कितने गाँव तक घर कट चुके हैं गाँव के? इस गाँव के करीब करीब 40-50 घर उसमें कटा है और 10-15 घर इसमें कटा है इस सप्ताह में। हाँ, इस सप्ताह में। और जिस रोज घर कटता था तो ऊपर में भी बारिश था और नीचे में भी यहाँ पानी था। अच्छा, एक बात बताइए, तो रात में आप लोगों को डर लगता है कि कहीं राता राती कट ना जाए गाँव? हाँ, रात में डर लगता है। क्या सोते हैं आप लोग सुकून से? इतना पानी खतरनाक है ये नदी का कि बोलने का बात नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, कितने सालों से कटाव जारी है? ये करीब करीब तकरीबन 5 साल से इतना कटा है ये टावर से इस बगल। उस टावर से इस बगल? हाँ। तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब। हाँ। तो क्या प्रशासन की तरफ से कभी कोई लोग नहीं आया देखने के लिए? ये कभी आया था, ये बोरा वाला, ये थोड़ा ऐसा बांध बना था और कहा कि ये साल में यहाँ से वो बस्ती तक हम लोग बांध बांधेंगे। अच्छा, तो हम लोग को सहमत दे दिया। हम लोग घर द्वार पक्की बना लिए। अभी यहाँ घर जो करता है तो हम लोग का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, बारिश में कहाँ रहेंगे। जो लोगों का घर कट गया वो लोग कहाँ रह रहे हैं? वो लोग अभी स्कूल में है, उधर गांव में पड़ती में, उधर सड़क पर है, पुल पर है, जहाँ जो जिसका जगह हुआ है खेमा गिरा करके बगले में है। क्या नाम है आपका? क्या करेगा, घर तो भांस रहा। आपका नाम क्या है? इमामुद्दीन। कौन सा गाँव है ये? नगरा टोल सिमरवाड़ी। अच्छा, ये नदी कौन सी है? नदी ये कनकई है, बहुत खतरनाक नदी है। अच्छा, ये कितने दिनों से ऐसे हाल है यहाँ पर? तकरीबन 2 महीना से। 2 महीना से? और ये कटाव कब से हो रहा है? ये हफ्ता रोज से। हफ्ता रोज से? कितनी दूर तक बस्ती थी थोड़ा बताएंगे आप? बस्ती बहुत दूर था, वहाँ से इतना दूर था बस्ती था। हाँ। उधर भी घर था, 20-25 घर था, वो भी निकल गया, चला गया है, नदी में चला गया, फिर यहाँ लग गया करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये रोड कब बनी थी? ये रोड जब पीच होने के चक्कर में जाना बोला था कि दोबारा पीच होने के चक्कर में था। अच्छा, कितना दिन पहले ही प्रधानमंत्री रोड बना था? ये 1 साल पहले से जाना गिट्टी पर बालू ला के रखा था, बोला पीच करेंगे। अच्छा, वो भी नहीं किया, फिर दोबारा जब चलावा आया वो छोड़ दिया, फिर ये जो है महीना रोड पर आया ये कंपनी, बोला पीच करेंगे। अच्छा, तो ये पीच करने मसला गिरने के बाद जो है कि जब तक चलावा गया वो भी छोड़ के भाग गया। तो यहाँ जो लोग थे वो लोग कहाँ रह रहे हैं अभी जो घर कटा है? कोई स्कूल पे है, कोई स्कूल वहाँ में है, कोई कहीं है, इधर उधर फिर रहा है ना, इधर उधर फिर रहा है। कोई देखने आता है कि नहीं आप लोग? नहीं आता है। कोई नहीं आता है? मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं? डर लगता है क्या? हाँ, डर लगता है। नहाते भी हो तुम लोग? नहीं नहाते। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो तुम्हारे सामने दोस्तों का घर सब कट गया है? कट गया। कहाँ रहते हैं वो लोग? तुम लोगों को डर लगता है तुम्हारे घर भी कट जाए कहीं पानी में? डर लगता है। अच्छा, जो स्कूल जाते थे वो स्कूल क्या बंद हो गया क्या? कट गया? अच्छा, ये स्कूल कट गया क्या? क्या नाम था स्कूल? अच्छा, ये बताओ कि रात में सोते हो तो डर भी लगता है कि नींद आता है? नींद आता है रात में? ये सड़क जब से बन रहा है उससे जो है तकरीबन 5 जड़ी नदी से बाहर था, नदी बाहर था सड़क से। अभी जो है सड़क कटता हुआ 1.5 जड़ी जमीन जो है तकरीबन कट के सड़क भी कट गया। सड़क कब बनी थी? सड़क
सड़क जो है आज 3 साल से बन रहा है, पूरा नहीं बना था। इमसाल जो है गिट्टी बैठाया, बैठाने के बाद 1.5 जरीब सड़क को नदी काट करके सड़क को भी काट दिया। तो यहाँ कैसे आप लोग रह रहे हैं इस जगह पर? डर नहीं लग रहा कट जाएगा पूरा गांव? तो है नहीं हम लोगों को कोई, तो कैसे क्या करें, कहाँ जाएं? तो प्रशासन या सरकार के लोग नहीं आते आप तक? कोई हम लोगों के पास यहाँ कोई सरकार नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई नहीं हमारा, हम लोगों का कोई नहीं। तो आप लोग फिर कैसे अपनी जिंदगी बिता बस रहे हैं? ऐसे जो है मिट्टी कोड़ते हैं, बाहड़ खड़ते हैं, ऐसे जो है रोजी चलाते हैं। अच्छा, अभी जो लॉकडाउन आया था तो इसमें आप लोगों को सहायता मिली थी? कुछ भी सहायता नहीं मिला है, सिर्फ यही इतना सहायता मिला है कि 5 किलो करके महीना में एक बार, ये इस मरतबा हम लोगों को मिला है, ये लगा के 2-3 बार। अच्छा ये बताइए, ये जो इतने सारे घर, अभी कितने घर थे जो पानी में कट गए हैं? यहाँ लगभग 70-80 घर थे कट गए अभी, ये पहले जो था 200-250 घर था। अच्छा, अभी इस बाढ़ में कितने, 7 दिनों में कितने घर कटे हैं लगभग? अभी लगभग 15-20 घर ऐसे होगा। अच्छा ये बताइए, तो ये लोग कहाँ रह रहे हैं अभी सब? अभी सब जो है यहाँ वहाँ जो है, कहीं कहीं जहाँ जगह है वहीं जाके जो है बसा है गांव-गांव में। अच्छा, तो कोई प्रशासनिक लोग आए कि नहीं कटने के? नहीं, कोई भी नहीं आया। मुआवजा वगैरह का कोई बात? कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग जो बसे हुए थे, जो जो घर कट गई, जो जमीनें कट गई, तो वो क्या आप लोगों खाते की जमीन थी? हाँ, वो खाते की जमीन थी। तो जमीन जमा का क्या होगा जब वो नदी में तब्दील हो गया? अब कहीं गुजर करना होगा, किसी तरह से कोई उपाय करना होगा। ये लॉकडाउन हो करके और भी हम लोग जो है तन्हा हैं, अल्लाह बेहतर जाने कहाँ कब क्या होगा, वो खुदा ही जानता है। कौन सा गांव है? कौन सा गांव? ये सिमलबाड़ी नगरा टोला। अच्छा, ये तो शुरुआत है क्या, इससे फिर सैलाब आने के अंदेशा है क्या? हाँ, पता नहीं कि सैलाब आने से अब क्या होगा, कहाँ हम लोगों को लग रहा है। नदी का जल स्तर बढ़ा है क्या जी? पानी बढ़ रहा है? पानी नहीं, अभी नहीं बढ़ रहा है। हाँ, पानी अभी घटा हुआ है, रात में पानी बढ़ गया था, अभी जो है पानी रुका हुआ है। रुका हुआ है ना? जी। अच्छा, ये कौन सी नदी है? ये कनकई नदी। बताइए, यहाँ स्कूल में क्यों रह रहे हैं आप लोग? घर साफ बह गया। अच्छा, ये हर साल होता है या इस साल हुआ है? हर साल होता है। तो आप लोग ये स्कूल में रह रहे हैं? कोई जिला प्रशासन के द्वारा कोई आया है देखने के लिए, कोई कुछ कुछ मिला है? अच्छा, ये स्कूल में डर नहीं लगता है कि ये भी कट जाए कहीं? यही भी खतरा है कटने का। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? तो सब लोग इसी में रह रहे हैं आप लोग? खाना पीना? ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर लगातार अमौर के AIMIM के सदस्य साहबुज्जमा और फ्लड्डू लगातार क्षेत्र भ्रमण कर सरकार से मांग कर रहे हैं इन उजड़े हुए घर वालों को इनका सहारा देने के लिए, साथ ही साथ सरकारी मुआवजे की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 4 दिन से लगातार इस क्षेत्र में आने के बाद कटाव की स्थिति हर रोज बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगाते हुए नजर आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ ऐसे हालात के लिए, जो पिछले कई वर्षों से ये नदी कटान हो रहा है और कम से कम लगे 500 से ज़्यादा घर कट चुका है, और कोई भी प्रशासन या कोई पदाधिकारी या आपका यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए यहाँ के जनता के लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि ये जो मानवता के विरुद्ध है ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये किसी दिन बहुत बड़ा प्रलय का कारण बन सकता है। ये रोज़ जो है समझिए कि कम से कम रखिए कि 10-20 धसना रोज़ गिर रहा है, और रोज़ देखिए अभी आप देखिए ये नदी की तरफ आप फोकस करके देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ गाँव अंदर में, अब नदी के अंदर है, लेकिन किसी को कैसे इतना बर्दाश्त हो सकता है? जिसके पास पावर है, जिसके पास जो है क्षमता है, वो आदमी देखकर भी उसको एक जरा भी रहम नहीं आ रहा है कि लोग घर बेघर हो गया है और जहीं तहीं स्कूलों में अपना ले रहे हैं। अभी पूरा बाढ़ सीजन बाकी है, लेकिन कोई भी सरकार का एक भी आदमी नहीं आया। मैं दिनांक 1 तारीख को आया था पिछले, और मैं देख करके बिल्कुल रो पड़ा यहाँ पर। पूरे आगे भी पूरा बस्ती में आप जाइएगा, पूरा तराई तराई मचा हुआ है।
हर हर घर में जैसे मातम का माहौल है, और ऐसे हालात को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं यहाँ से जाके सीओ साहब को कहा तो उन्होंने सीओ साहब कहा कि मैं आपका सीओ नहीं हूँ। मुझे पता चला कि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। फिर मैं पटना बात किया तो मालूम हुआ कि नहीं, उनका स्टे ऑर्डर आ गया है। तो आज सुबह मैं फिर गया था कि आपने हमको उनसे बहुत कह दिया कि मैं आपका सीओ नहीं हूँ। आखिर वो जो जनता है, आखिर उसका सीओ कौन है? आपका स्टे ऑर्डर तो आ गया है। तो बोला हाँ स्टे ऑर्डर आ गया, अच्छा हम जाके देखते हैं। अभी फ़ोन किए उनको कि आप कहाँ हैं, आइए हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए। तो वो बोले कि हम सीआई को भेजे थे, वहाँ कोई कटान फटान नहीं है। ये सब कहना है सीओ साहब, सीओ साहब का कहना है कि अच्छा, कोई कटान फटान, कोई मुआवजा वगैरह मिला है कि कुछ नहीं? नहीं मिला है कोई नोटिस वगैरह, ये इनकी अपनी जमीन है, ये कैसे वापस मिलेगी इन्हें? कोई कुछ नहीं है, कोई इसका माए बाप नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ये लोग थक चुका है। जैसे एक आदमी को रोज आप पैर में मारते रहिएगा ना, मारते मारते एक समय ऐसा आएगा कि दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। आज इन लोगों को आप छुट्टी भी काटिएगा एहसास नहीं होगा। अब तो घर क्या, इसको भी काट के आप गिरा दीजिए नदी में, कोई एहसास नहीं होगा। इसलिए कि ये लोग थक चुका है, अब तो ये बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरा घर कटा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। आज ये बिहार सरकार में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार जनता से बिल्कुल बहुत दूर भाग चुकी है। जनता के दुख सुख से बहुत ही कोसों दूर है। इस बात का हमें बहुत चिंता है। आगामी चुनाव आएगा, उसमें इसको जनता सबक सिखाने का काम करेंगे। ग्रामीणों की इस भयावह स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर भी सीओ इस गांव में पहुंचे। यहां आने के बाद निरीक्षण किया और कटाव देखने के बाद ये आश्वासन दिलाया है कि जल्द से जल्द सरकारी तौर पर इन्हें मुआवजा भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी इन लोगों का नुकसान हुआ है सरकार उस पर निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई ज़रूर करेगी। ये भी बताया कि इस पंचायत में नाव की कमी है, नाव जल्द से जल्द मुहैया करा दिया जाएगा ताकि लोगों को एक राह से दूसरे राह जाने में आसानी हो सके। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी करने का भी भरोसा दिलाया है। ऊपर के प्रशासन के तौर पे तो ऑलरेडी कटान का काम यहाँ पे किया गया है, लेकिन नदी जो है विचलित यहाँ पे है। थोड़ा सा जी को हम मतलब बताएंगे, डीएम सर को भी अवगत कराएंगे इस बात से। परेशानी तो है सर, काम एक मिनट सर, ये एसडीओ साहब बताए थे कि नाव की पूरी व्यवस्था है, लेकिन इस तरह से हम देख रहे हैं कनकई नदी में नाव दिया नहीं गया। हाथ पे तो दिया हुआ है, जैसे आगे नाव की है सरकारी वहाँ से उनका आवागमन होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है अपना जुगाड़ से इन लोग सफर कर रहे हैं। हालांकि गलत है, बगल में घाट है, आप देख सकते हैं। प्रशासनिक तैयारियां हैं पूरी, बिल्कुल आगे में भी, इसके आगे जस्ट नाव की व्यवस्था है, उसके आगे भी घाट पे लगा हुआ है, लेकिन हर जगह पे जो है नाव नहीं है, लेकिन यही 10 कदम कितना होगा यहाँ से, वो नाव आपके सामने वहाँ से भी पार कर सकते हैं लोग। सर आप जो निरीक्षण किए तो क्या पाया गया, और ये जो घर कटान हुआ है जिन लोगों के नुकसान हुआ है, तो आपके तरफ से क्या मुआवजा उसको मिल सकता है? अवगत कराएंगे सरकार में, जो है हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। ये तो शुरुआत है सर, क्या आगे की पूरी तैयारी हो चुकी है आप लोगों द्वारा क्या, क्योंकि अभी सैलाब का ये शुरुआती दौर माना जा रहा है। सर एक आप वैसा वैसा जो पंचायत इफेक्टेड है वहाँ पे हम लोग अलर्ट मोड में रह रहे हैं, हमेशा जानकारी प्रतिनिधि के माध्यम से या फिर कर्मी जो पंचायत स्तरीय हैं उनको भी विजिट कराकर हमेशा सत्यापन कराते हैं।